बोलो सभी को जय भीम। देशवासी सभी को जय भीम। बोलो प्यारे देशवासियों सभी को जय भीम। उसमें देख के बोलो टीवी में। खड़े हो दिखाओ दिखाओ मुंह दिखाओ अपना इधर उधर। अब बोलो मैं प्यारे देशवासियों सभी को जय भीम। बाबा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो शुभकामनाएं। जब बाबा साहब के जन्मदिन की जन्मदिन की अब हम ना बाबा साहब के लिए कैंडल जलाएंगे। बोलो बोलो बाबा साहब के लिए कैंडल जलाएंगे। कैंडल जलाएंगे बाबा साहब के लिए। चलो ये लो रूड़ी। ये रुद्र प्रताप सिंह है हमारे छोटे। बाबा साहब क्या नहीं आई वहां जलाएंगे बाबा साहब के आगे। इधर लाओ इधर रूड़ी इधर लाओ इधर आओ इधर रखो जल्दी आओ पकड़ो। ये यहाँ पर रखो यहाँ रखो। हाँ भाई रूड़ी ने रख दिया भाई। अब फूल चढ़ाओ फूल उठा के बाबा साहब के आगे लगाओ। बाबा साहब को रखो फूल बाबा साहब के आगे रखो। हाँ थोड़ा दूर हो गया मोमबत्ती से। रखो रखो रखो। हाँ भाई बाबा साहब को रख दिया फूल भाई रूड़ी ने। अब संविधान के ऊपर रखो रूड़ी भाई संविधान के ऊपर यहाँ रखो संविधान के आगे। हाँ अब बोलो सबको इधर मुकरो इधर मुकरो। सबको बहुत बहुत मुबारक। सबको बहुत बहुत मुबारक। बैठो अब उधर बैठो कुर्सी बैठो ठीक है। अब हमारी धर्मपत्नी जी कैंडल जलाएंगे। हाँ अब हमारी धर्मपत्नी जी जलाएंगे कैंडल। उसमें जला के लगाओ बाबा उसको चिपकाना पड़ेगा। हाँ अभी रख देंगे फूल चढ़ाओ भाई। इतना बड़ा। अरे वाह बाबा साहब का जन्मदिन हैप्पी टू यू बाबा साहब का आज रूड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा साहब। बोलो अब पापा भी जला रहे हैं। देखो बाबा साहब के लिए मोमबत्ती ना। हाँ अब हम लोग बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। चढ़ाओ चढ़ाओ दोबारा रूड़ी भाई चढ़ाओ। अभी बैठो रूड़ी भाई बैठो। अभी हम सब पूरे देशवासियों को आज हम लोगों को एक जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसको पूरे देश को बताना चाहते हैं आप लोगों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर भारत में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 15 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। 80,000 लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था। उन्होंने इन शब्दों को निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। ये 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती हैं। ये एक सेतु के रूप में बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रम और विरोधाभासों से रक्षा करने में सहायक हो सकती हैं। इन प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म जिसमें केवल हिंदुओं की ऊंची जातियों के संवर्धन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया में व्याप्त अंधविश्वासों व्यर्थ और अर्थहीन रस्मों से धर्मांतरित होने समय स्वतंत्र हुआ सकता है। प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाएं निम्न है। बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं आप सबको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उन्हें उनकी पूजा करूंगा। तीसरा मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। पांचवी प्रतिज्ञा मैं यह नहीं मानता कि न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसारित मानता हूं। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वालों वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा। मैं समता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित
परम पितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा, मैं शराब ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित और सर्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास रखता हूं कि बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इनके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों तथा शिक्षाओं एवं धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। साथियों, आप सब ने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं सुनी, मैंने पढ़ के आपको बताया, और आज हम पूरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा और मैं, हम भी ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर की अपने जीवन में धारण करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे हम सारे समाज के लिए काम करेंगे और एक समानता पूर्ण, स्वतंत्रता पूर्ण, बंधुता पूर्ण एक धम्म राष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था, प्रबुद्ध भारत जब बनेगा, जब हम लोग सभी तथागत बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव है, उस महामानव का जन्मोत्सव है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों वंचित समाज के दलित पिछड़े, जिनको एक विशेष धर्म में धकेल करके अछूत बना दिया गया, उनको मानव के रूप में एक नया जीवन दिया, देश को संविधान दिया। साथियों, आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान को नमन किया है और मैं चाहता हूं कि पूरा देश का समाज, दलित पिछड़ा, माइनॉरिटीज के लोग, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चलें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं अंत में और शुरुआत में सबसे पहले भारतीय हूं। ये आपको हिंदू और मुसलमान बनाने में लग जाएंगे, लेकिन आप लोग हमेशा भारतीय बने रहने पर अड़े रहना। आपको कोटि कोटि नमन बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमारे जैसे जो तुच्छ समझे जाने वाले प्राणी थे उनको एक जीवन दिया, एक संविधान के माध्यम से इस देश की आधी आबादी नारी शक्ति को इतना सम्मान दिया कि महिलाओं को आज बराबर के अवसर इस देश में प्राप्त हैं। भारतीय संविधान अगर ना होता तो शायद आज हम इस व्यवस्था में ना होते। साथियों, मैंने 4 लाइनें लिखी थी और आज के समय वो 4 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मैंने लिखा था, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है, देश लोगों से होता है। और हम भारत के लोग आज कसम खाते हैं कि इस देश के संविधान पे किसी भी मनुवादी की, किसी भी ब्राह्मणवादी की कोई चाल नहीं चलने देंगे, इस देश के संविधान को बचाना है। मैंने कल भी अपील की थी, मैं आज भी अपील करता हूं और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बैठ करके, देश के संविधान के सामने बैठ करके प्रतिज्ञा लेता हूं कि हमें आज एक नए रास्ते पे चलने की जरूरत है। आज पूरे देश के बहुजन समाज के लीडरों को एक होने की जरूरत है। आज ब्राह्मणवाद, मनुवाद बहुत ज्यादा शक्ति के रूप में देश में पाखंड फैला रहा है। जब देश में विज्ञान की बात होनी चाहिए थे, ये लोग देश के लोगों को रामायण दिखा रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को अड़म्बर अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। तो आज बहुजन समाज के सभी नेताओं को इकट्ठे होकर के, अपनी मूंछ की लड़ाई छोड़ करके इकट्ठे होकर के, ये जो अमानवतावादी धर्म है, जो ये अमानवतावादी इस देश को बना दिया है, इस जो महामारी है, जो बीमारी है, ये जो जाति का बीमारी है, जो जाति का कोरोना है, जो धर्म का कोरोना है, इसको अगर खत्म करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। और देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज सरकार इंतजाम कुछ नहीं कर रही है, लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया, 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया, लेकिन सरकार के पास कोई इंतजाम, कोई ब्लूप्रिंट, कोई भी इनके पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ये नाकाबिल लोग हैं,
देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश को अखंड भारतीय सम्राट अशोक का भारत है, अगर इसको दोबारा प्रबुद्ध भारत बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ेगा। साथियों, दोबारा सभी को, पूरे देशवासियों को, सभी बहुजनों को, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखने वालों को, सभी को मेरी तरफ से जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो भाई सारे बोलो जय भीम। उधर उधर देख के रूढ़ी, उधर खड़े हो बेटा, खड़े हो गए, बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, सबको अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, कोरोना से बचना है, सफाई रखनी है, और बाबा साहब के संविधान को पढ़ना है, पढ़ना ही तो है, बाबा साहब के संविधान को पढ़ना है।